दीगर ममालिक में तैयार मूंगफली खेतों से हासिल करने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काश्तकारों को इंतहाई बेहतर सहूलियात मुयसर होती हैं। लेकिन इसके बरक्स सिंध में काश्तकार तमाम काम हाथ की मदद से करते हैं। मूंगफली हासिल करने के लिए इन्हें एराजी का चप्पा चप्पा खुदाई करना पड़ता है, जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। लेकिन मूंगफली के एक दाने को अलग करना कई मराहल से गुजरता है। मूंगफली को पौधे की जड़ से अलग करके उसे मयार के तहत तकसीम किया जाता है। इसके बाद उसे पानी में धोकर सुखाया जाता है। मूंगफली का एक दाना कई बार काश्तकार के हाथों से गुजरता है और आखिर में काश्तकार को मेहनत का फल ही नसीब होता है। अगर महकमा ज़राअत सिंध काश्तकारों को जदीद आलात फराहम करे तो यकीनन काश्तकार मूंगफली की पैदावार कई कदर बढ़ा सकते हैं, जो कि मुल्की तरक्की और काश्तकारों की जिंदगी में खुशहाली ला सकती है। साईं, मूंगफली जो फसल में तमाम वही मेहनत आ, पर इन में असा हुकूमत जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का सपोर्ट न करें, उन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ वो भी कौन सो तावन करें। जैसे तावन करें तो समझा तो मूंगफली की उपज तमाम बेहतरीन थी। जो बेरोजगारी आनी में भी तमाम कमाई मानू रोजगार उनके रोजगार मिल शहर में वी मुल्क के लिए भलाई आ मुल्क में वी पे सूबे में वी पर अड़ो को तावन को कन गवर्नमेंट वा। ना को भी सही गवर्नमेंट जो नुमाइंदो न असा पान हिसाब से पा ही कोशिश करें पान जो उनकी मेहनत मजूरी कराए। बाकी बो कोई भी अड़े चेक वगैरह के लिए को भी एग्रीकल्चर जो या गवर्नमेंट जो नुमाइंदो उन कोई भी न।